अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए।
यादों की दीवारों से अतीत का चेहरा कभी मिटता नहीं। जहन में उसका एहसास आपको ना जीने ना मरने देता है। कितनी भी कोशिशें करो, वो आपके सामने आ ही जाता है। गुमनामी की काल कोठरी में जी रहा था यूं ही सिसकते हुए। ये बाल्टी पकड़ और पायखाना साफ कर। खो बैठा था पहचान इन दरिंदों की दुनिया में। नहीं भूलती नहीं मिटती वो यादें, उस रात माँ की नीलामी की। ए, तेरा धाम लग गया। चल देव, देव! माँ! फिर अचानक मेरे अंधेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसको गुरुजी ने लिखा। ये देव हॉबीज पोएट्री और डांसिंग। इस लड़के को बुलाइए। नाचने वाले का बेटा है, बेशक छेरे। आप बुलाइए ना लड़के को। देव, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम देव है। देवराज चौधरी। मेरे माँ का नाम मल्लिका राय चौधरी। मेरी माँ नाचने वाली नहीं, एक कलाकार थी। अच्छा, पूछ के छोड़ा? छोटा छोटा हूँ, बड़े बड़े। आप जरा छोड़िए। देवराय चौधरी, तुम्हारे हॉबीज डांसिंग और पोएट्री, कविताएं। एक कविता सुनाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये गुरुजी की बेटी है संयुक्ता। मीरा, तुम इस लड़के को देखकर बिल्कुल खुश हो जाओगी। देव नाम है उसका। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन एक अलग सी चमक है उसके आंखों में। ऐसी चमक मैंने पहले कभी नहीं देखी। चलिए, अच्छा है। जितनी चमक होगी उतनी ही ज्यादा रोशनी फैलाएगा। बिल्कुल, कलाकार का बेटा है। अच्छा केस्टोदा, एक बात पूछूं? पूछो ना। आप गुरुजी के क्या लगते हो? देव, मैं भी तुम्हारी तरह एक अनाथ था। गुरुजी ने और कामनी माँ ने मुझे गोद लेके मेरी जिंदगी संवार दी। पता है देव, गुरुजी का बहुत लोगों पे एहसान है। और संयुक्ता की माँ? संयुक्ता की माँ संयुक्ता के पैदा होते ही भगवान के पास चली गई। तब से गुरुजी को, संयुक्ता को और पूरे आश्रम को मीरा दी ही संभाल रही है।
देव गुरुजी ने सही कहा था, जैसा नाम वैसी ही सूरत। जी नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, दिया जलाओगे? आओ सुना, आओ देव के साथ दिया जलाओ। बाबा को देखो, उन्होंने मुझे कभी भी डांस नहीं सिखाए। मीरा, देव और मेरे सुर और ताल मिल चुके हैं। उस देव को डांस सिखा रहे हैं। उसको अपनी माँ के खोने का दर्द मेरे दर्द से कुछ कम नहीं। एक दिन मैं आपके जैसी अच्छी डांसर बनूंगी और फिर दिखाऊंगी बाबा को और देव को। देव की तड़पन और आग ने मेरे अंदर के गोविंद रशन को जगा दिया है। मेरी आत्मा अभी जीवित है, ये महसूस करेगा। इस देव में मैं भविष्य का गोविंद रशन देखता हूँ। एक दिन ये लड़का एक उच्च कलाकार और इंसान बनेगा। काश ऐसा ही हो। गुरुजी, एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? वकील साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि देव के सारे पेपर तैयार हो गए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, देव अब से हमारा हो गया। अरे बात छोड़ा कर दो, हीरो बनना है क्या? शूरर बच्चा, धरा, धकाची। जी रहा था जिंदगी बेनामी में गुमनाम, वजूद दिया आपने गुरुजी, मैंने की जिंदगी आपके नाम। Ha ha ha.
गर्ल्स क्या पढ़ रही हो? इसे कुछ सुनाई नहीं देगा. She's on cloud 99. ऐसा क्या है? मुझे दिखा. सोना, you won't believe it. This book is amazing. Really, it's just a book. What's amazing about it? Hey, it's not just a book. It's a treasure. इसमें सब लिखा है. लड़के कैसा सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं. All about love. लड़कियां पटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट लड़के पटाने का एक ही तरीका होता है. वो क्या? Hi, Dev. Pyali. कितने handsome लग रहे हो, Dev. Pyali, just get out. Oh, rude. So no, next time ना, मैं नहीं छोडूंगी तुम्हें. Excuse me, Dev. तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात था, देव. यू नो रोज, आई एम चेंजिंग, प्लीज गेट आउट. जीसस जीसस जीसस, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा. इस चश्मे से कुछ नहीं दिखता है. माइनस थ्री था, फाइव हो गया. मैंने कुछ नहीं देखा. आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं देखा, देव. नथिंग. सोना, क्या हुआ? क्या है ये? क्या, निकलो यहां से. यू गॉन मैड? शर्म नहीं आती तुम्हें? हां, अच्छे घर के लड़की को छेड़ रही हो तुम. बेचारा मेरा देव कितना डरा हुआ है. वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गई, वरना पता नहीं तुम इसके साथ क्या करती. हाँ, चलो निकलो यहाँ से. Get out, girls. अपने दोस्तों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ. और तुम भी ना ये शर्ट पहन के रहा करो ना, बेचारी लड़कियाँ बहक जाती हैं. सोना, just get out. देखते ही देखते सोना कब मेरी हर खुशी, हर हंसी का कारण बन गई, पता ही नहीं चला. उसका मेरे साथ होना ही मेरे अधूरेपन को पूरा करता. सो वॉट, उसको मेरा प्यार प्यार नहीं दिखता. जग रही जरा जरा धड़कन कह रही, जरा जरा बातें बन रही, जरा जरा आंखों में आस जग रही. धड़कन कह रही, जरा जरा बातें बन रही.
तुम इधर से आओगे। यहाँ से? हाँ यहाँ से। ओके। अब ये चेंज नहीं हो सकता, नहीं तो सारा डांस प्लान चेंज करना पड़ेगा मुझे। बट सर, ये तो मेरा पहला बार है और अगर गलती हो गई तो? आई ट्रस्ट यू, इसीलिए तो ला रहा हूँ। घबराओ मत। ओके श्योर। जी गुरुजी। ये नंबर जरा मिलवा दो। सोमनाथ दास महोत्ता। ओके। अरे लैंडलाइन पे क्यों डायल कर रहे हो, मोबाइल पे करो ना। गुरुजी लैंडलाइन ही लगाता हूँ। क्यों? वो सोना वेट कर रही है और उसको लेकर बाहर जाना है। अरे इतना क्या डरते हो उससे? हेलो, एक मिनट लग गया गुरुजी। चलो भागो नहीं तो मारेगी तुम्हें। हेलो सोमनाथ, मैं गोविंद राज। अरे गोविंद ना की क्या मुना चो? हाँ भालो, यहाँ बहुत बिजी चल रहा है। अरे जानी जानी तुम बहुत बिजी है। इतना दिन बाद याद आया दोस्त को। ए सुनो, तुमको हमारा निमंत्रण मिला तो? हाँ हाँ, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, तो प्रोग्राम सब ठीक है? सब बच्चों को भेज रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चे सब आ रहे हैं। और सोना बेटी को भेज रहे हो तुम? देव उनके साथ रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पिन्ने काना। पीला काना। फ्रेश है ना ये फ्लावर्स? यस। ये मेरे लिए 6 पैक कर देना और ये वाली भी 6। ठीक है। हाँ सर, आपके लिए लेता हूँ। ये क्या है, इतनी देर में एक ही फूल लेकर आए? तो देव, हमें बाबा के बर्थडे के लिए बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए और वो भी ये डेकोरेटिव टाइप्स, एक रोज नहीं। रोज में क्या खराबी है? खराबी रोज में नहीं, तुम्हारे दिमाग में। पापा को बर्थडे के दिन रोज दोगे और क्या कहोगे? हैप्पी वैलेंटाइंस डे गुरुजी। कैसे समझाऊं इसे? ये नहीं समझेगी। तुम कल से खांस रही हो, केस्टो को लेकर डॉक्टर के पास होकर आओ। दवा ले ली मैंने, ठीक हो जाऊंगी। मीरा, तुम सबका ख्याल रखती हो अपना नहीं, जरा रिलैक्स रहा करो ना। देव तो सबका अच्छी तरह देखभाल कर रहा है। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। मैं स्ट्रेस फ्री उस दिन हो जाऊंगी जिस दिन सोना की शादी हम उसकी पसंद के लड़के से करवा देंगे। तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। कितना प्यार करती हो तुम सोना से। उधर देखिए। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। जितना एक दूसरे से झगड़ते उतना ही प्यार करते हैं। देव सोना को अपने सरखों पे बिठा के रखता है। देव के बारे में आपका क्या राय है? तुम क्या कहना चाहती हो मैं समझता हूँ, लेकिन शादी कलाकारों और संस्कारों के बीच में नहीं होती, परिवारों के बीच में होती है।
घबराइए मत, जंगली है तो क्या हुआ, फूली तो है, और इस फूल को फूल से बढ़कर क्या भेंट दे सकता हूं। पुरुलिया में आपका स्वागत है। थैंक यू, इट्स ब्यूटीफुल। आपसे बढ़कर नहीं। सोना, कौन था वो? पता नहीं। सबके साथ रहो, नई जगह है, खतरनाक है जंगल। क्या है ये, जंगली फूल? चलो प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जंगली है तो क्या हुआ, है तो फूल ही ना। मेरा पढ़ रही हो ना, नक्सलवादियों ने बीएसएफ कैंप पे हमला किया है और एक जवान अब भी लापता है। बच्चे सेफ होंगे ना? हाँ, उनके प्रोग्राम है पुरुलिया शहर में, जंगलों में नहीं ना। और वैसे नक्सलाइट मूवमेंट में पब्लिक हैरेसमेंट नहीं होती जनरली, उनके अपने मुद्दे हैं गवर्नमेंट से। काकू, वो महिषासुर किसने प्ले किया था? ओए जे गंभीरा, देव में अभी आई। गंभीरा जी। अरे नमस्ते। नमस्ते। अरे आप यहाँ? एक्चुअली मैं कल से आपको ढूंढ रही थी। क्यों? थैंक यू। आप भी प्लीज। मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा कल, बहुत अच्छा था। आप फैंटास्टिक डांसर है। आई मीन इट वॉज ब्यूटिफुल।
इतना अद्भुत छाव मैंने मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इतना अच्छा लगा आपको? आप कोलकाता आके परफॉर्म करेंगे? कोलकाता? आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रही। देखिए मैं खुद भी एक डांसर हूँ, इसलिए टैलेंट की कदर करना अच्छे से जानती हूँ। आपका टैलेंट यहाँ इस गांव में वेस्ट हो रहा है। सहारा मिले तो शायद। मैं दूंगी ना आपको सहारा, और वैसे भी आपकी जगह उधर है, यहाँ इस गांव में नहीं। सोना चले, देर हो रही है। नमस्ते। गंभीरा जी, चलता। हाँ, कुछ कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? पता नहीं आपका शो देखकर ऐसा लग रहा था आप बहुत शक्तिशाली हैं, अगर आपकी बातें सुन के तो कुछ और ही लग रहा है। वो कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, और कामयाबी बहादुर के ही कदम चूमती है। प्लीज देव, तुम कुछ ज्यादा ही बोल। नहीं नहीं, ठीक कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कहा। देव बाबू बहादुर हैं, ये समझ में आ रहा है। बहादुर हूं या नहीं ये मैं नहीं जानता, मगर डरता नहीं हूं, ना ही जिंदगी से ना मौत से। चलो सोना, चलती हूँ गंभीरा जी, पर मेरा वादा याद रखिएगा, मैं बहुत जल्द आपको शहर बुलाऊंगी। आई प्रॉमिस। तुम भी ना दे। क्या जरूरत थी इस जंगली गवार से बात करने की? वादे को जियो तो झूठ जानकर जियो, सच मान बैठे खुशी से मर जाओगे। अगर मैं चाहती हूँ कि छाव पर वर्कशॉप हो तो इसमें गलत क्या है? हमारे स्टूडेंट्स को ही तो बेनिफिट होगा ना, कुछ नया सीखेंगे वो लोग। मुझे समझ नहीं आता। सोना, राय का पहाड़ मत बनाओ, और वो भी एक पुरुलिया के छाव डांसर पर। रहने दीजिए पापा, आप कभी नहीं समझेंगे। ये है गंभीरा। सुनो, तुम इसके लिए दो दिन से सारे घर को सर पे उठा के रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग मेरा लॉजिक क्यों नहीं समझ रहे। तुम्हारे आर्गुमेंट्स दिल से आ रहे हैं, दिमाग से नहीं। देव, जरा समझाओ ना उसे। सोना जो कह रही है वो इतना भी गलत। प्लीज देव, तुम तो जानते हो ना मैं ये सब क्यों करना चाहती हूँ। समझाते क्यों नहीं हो सबको? वैसे भी इस घर में सब मुझसे ज्यादा तुम्हारी बात समझते हैं। थैंक यू देव। मुझे पता था तुम बाबा को मना लोगे। गंभीरा आ रहा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल ना, कितने अच्छे लग रहे हम दोनों एक साथ। कैसे बताऊं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। गंभीरा। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, आप अभी आए? हाँ मैडम जी, किश्त तो ले आए मुझे। क्या सवारी करवाई है मैडम जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आप प्लीज मुझे मैडम जी मत बुलाइए, आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए ना। क्या नाम है आपका मैडम? मैडम जी संयुक्ता, पर आप मुझे सोना बुला सकते हैं। ओह सोना, वो तो आप हैं, जैसा नाम वैसा चेहरा, चेहरे पर भी कितना सोना लगा हुआ है। उसे बोलने में क्या मजा। सॉरी मैं भूल गई थी। बेटा ज्वेलरी शॉपिंग हो गई हो तो चले। ओ मेरे सोना रे, सोना रे। ये क्या कह कर गए? प्लीज आप भूल जाइए, बहुत मजाक करते हैं। बाबा, गंभीरा ही मेरे बाबा है, और बाबा ये मेरे ये गंभीरा है। अच्छा, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो।
और ये है मेरी मीरा मासी। नमस्ते। सोमनाथ मास्टर मोशा ने आपके लिए मिष्टी दही भेजा है। मिष्टी दही। सोमनाथ को मालूम है मेरी चॉइस क्या है। बैठो बैठो। नहीं ठीक है। मैंने तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है। तारीफ मेरी या मेरे नृत्य की? दोनों एक ही बात है। तारीफ इंसान की नहीं इंसान के काम की होती है। देव द्वारा तुम्हारी काम की तारीफ तुम्हें यहाँ लाई है गंभीर। देव बाबू को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी गुरुजी, जो मुझे अभी भी याद है। पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। गंभीरा जी, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। अरे गंभीरा, ये कुर्सी देव की है। रहने दीजिए गुरुजी, गंभीरा हमारा मेहमान है और कुछ ही दिनों की तो बात है। नहीं देव बाबू। क्या? मेरा मतलब आपकी कुर्सी आप बैठिए। नहीं नहीं ठीक है। नहीं कह रहे हैं गुरुजी। आप लीजिए ना। हाँ वही बाबा। इतना शुद्ध घी तेल का खाना, ये सब खा के तो मैं मर जाऊंगा। खाना खा के कोई नहीं मरता गंभीरा। हाँ बिना खाए भी तो जीते हैं। तो शुद्ध दाल भात खाओ। अच्छा गंभीरा जी, ये सब छोड़िए, आप बताइए, आप अपने छाव डांस में हमेशा असुर का ही रोल करते हैं। मास्टर मोशाय तो यही कह रहे थे। हाँ असुर बनना मेरी प्रकृति में भी है और मेरी नियति में भी। जब असुर हार कर मरता है और देवताओं की जय जयकार होती है तो मुझे बड़ा मजा आता है। What? आपको अपनी मौत पे मजा आता है? हाँ, अगर असुर हार कर नहीं मरेगा और देवताओं की जीत कैसे होगी फिर बताइए, इस हार में ही तो जीत है। आप तो बातें बिल्कुल विद्वानों जैसे करते हैं। पुरुलिया के छव कलाकार जैसे नहीं। जब पैदा हुआ था गुरुजी तो छाव कलाकार बनकर थोड़ी ना पैदा हुआ था। हाँ छाव पर कविताएं लिखनी चाहिए तुमको, बुद्धि सद्व्यवहार हो तो। ठीक बोले चंद दीदी। अरे अब ये लेक्चर देना बंद कीजिए, मुद्दे पे आते। आपको पता है हमारे स्टूडेंट्स इतने एक्साइटेड आपसे छाव सीखने के लिए, स्पेशली वो कलरफुल मास्क पहनने के लिए, है ना दीप? आपकी क्लासेस कल सवेरे से शुरू होंगी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मत कहिए, गंभीरा ही कहिए, वैसे भी प्यार से लोग मुझे गंभीरा ही कहते हैं। तो आप लोग जिस छाव नृत्य का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसे आरंभ करें। ध्यान देते हैं। तो ऐसा है, इसे धर्णस्थान का कहते हैं, पीठ बिल्कुल सीधी और यहां से पांच छह सात आठ। Ambira.
में तो कम है। देव मेरे वाले में भी कम है। मेरे वाले में तो ऑलमोस्ट है ही नहीं। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? दूध पीने से कोई पागल थोड़ी ना होता है, शक्ति आती है। एग्जैक्टली गंभीर आकर तरह ना। एग्जैक्टली ये दोनों तो पहले ही पागल है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? व्हाट्स रॉन्ग विद मी? वो तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। व्हाट रबिश। कैसे? वो दूध नहीं शराब पीता है। देव क्या है सोना? कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे? मतलब छोटी सी बात के लिए बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो तुम। क्या लगता है तुम्हें गंभीरा के बारे में? इतना उछल कूद कर उसे यहां बुलाया है? इतनी जल्दी किसी के बारे में क्या कहा जा सकता है? खैर डांसर तो अच्छा है। कितने दिन का शेड्यूल है उसका? देव ने बनाया है, कह रहा था 8-10 दिन का होगा। चलो उम्मीद करते हैं कि सोना की ये जिद आश्रम और स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगी। Rose, thank you so much. My pleasure. Hi, Leah. How are you? Fine. Mm-hmm. You? Sanjukta, merci beaucoup, especially for inviting me here. Thank you so much. How could I not after all the emails you sent me, huh? Mais oui, because the blog that Dave wrote about Edensku was brilliant. Yeah. It attracted me. that's Miramashi. Miramashi? Leah. Hi. So, Leah, tell me. Well, I've spent a long time researching about Purulia Chow till I found this institution. You want to learn Chow? Yes, not just learn it, but spread it across Europe. Well, I'm a businesswoman too. I'm gonna make it happen. Leah, I was talking with a Chow dancer. Yeah. There he is, Gambhira. Yeah, you know what? He's the best Chow dancer you'll ever come across. Hi, I'm Leah. Okay, well, where is Dev over here? Oh, there he is. Dev, hi, finally we meet. Hello. Dev, ye Leah hai. Chow seekhna chahti hai aur Europe mein concert bhi karna chahti hai. Pleasure having you here. Thank you. And we'll definitely support your dream. Thank you. गंभीरा, ये आप टहलते हुए क्या पढ़ रही हैं? वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम है ना, इसलिए तैयारी कर रही हूँ। परीक्षा? जी। किस विषय में? डांस। डांस? जब आप खुद इतना अच्छा डांस कर लेती हैं तो कैसी परीक्षा और कैसी तैयारियां? भगवान ने आपको इतना अच्छा रंग दिया है, रूप दिया है, कला दी है। मेरे हिसाब से तो आपको खुली हवा में उड़ना चाहिए, आजाद पंछी की तरह नृत्य करना चाहिए, मयूरी की तरह। आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कही। मैं आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ, यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, लंदन। इसलिए तो स्कॉलरशिप की पढ़ाई के लिए तैयारियां कर रही हूँ। आप मेरे लिए प्ले करेंगे? आप लंदन जा रही हैं? तो वो आपके बॉडीगार्ड भी जाएंगे? बॉडीगार्ड? वही देव बाबू। प्लीज, देव मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा बॉडीगार्ड नहीं है। पर हाँ, मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। वो कहाँ जाएगा ये नित्य आश्रम बाबा और मीरा मासी को छोड़ के? उसकी इजाजत के बिना तो यहाँ हवा भी नहीं चलती है।
हाँ, गुरु कृपा है उस पर। ये आपके हाथ में रंग कैसा? आप मास्क बना रहे थे? हाँ, पसंद है आपको रंग? बहुत। और फेस पेंट भी। करो आपके चेहरे पर चित्रकारी। आंखें खोल रहे संजू। ये क्या है? गंभीरा ने किया? हाँ, अच्छा है ना? मैंने अभी तक देखा नहीं, मैं देख कर आती हूँ। ये ठीक नहीं है सोना। क्या ठीक नहीं है देव? हाँ, ये फेस पेंट, ये डांस, क्या बचपना है देव? तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए हो। गंभीरा बस एक अच्छा कलाकार है और मुझे उसकी कला पसंद है। बस? बस? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये जो तुम मुझे इस तरह देख के इमोशनल ब्लैकमेल करते हो ना, बिल्कुल ठीक नहीं करते। सोना, कल हमारा शो है और तुम्हारे बिना मुझे एकदम अधूरा लगेगा। बिल्कुल अधूरे नहीं लगो। फिर ये डांस शो तो हर वक्त होते रहते और मेरा एग्जाम थोड़ी ना बार बार आएगा। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे बिना शो करना अजीब तो लगेगा ना। अजीब तो मुझे भी लगेगा, पर तुम एक बहुत अच्छे डांसर हो,
You're a wonderful dancer, Dev. You're the best. चली गई? क्यों ऐसा लग रहा है कि सोना मुझसे दूर, बहुत दूर जा रही है? शायद मेरे प्यार में कोई कमी है, या ये प्यार उसके लिए कम है, या फिर मैं ही उसे समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा, गंभीरा सुना है शहर जाके बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू? कब तक नक्सलवादी बना रहेगा? इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएगा, यही सोच रहा है ना तू? डांस टीचर बन गया है, छो सिखा रहा है, हा? बड़ा आदमी बना नहीं, बन जाऊंगा। शहर गया हूं, ये सच है। बता के तो गया था वापस आ रहा हूं, अपने मिशन और अपने दल को भूल गया, ये गलत बात, सही नहीं है दादा। क्यों सही नहीं है? सच्चाई हजम नहीं हो रही है, अपने ही लोगों से बागी हो रहा है। वो कहावत याद है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लेकिन एक बात याद रख गंभीरा, झुंड से बिछड़ा सिर्फ शिकार होता है। अपनी मिट्टी और अपने लोगों से बगावत गंभीरा के खून में नहीं, और शिकार तो भेड़ बकरी का होता है। गंभीरा शिकार होना नहीं, शिकार करना जानता है। क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है दादा, चले हट। लड़ाई उसी हथियार से लड़नी चाहिए जिससे सामने वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ हो। मतलब हर चीज बतानी पड़ती है आपको दादा। मतलब आज तक इन जंगलों में भटक कर हमें क्या मिला? पुलिस की गोली और कुत्ते की मौत। अब हम शहर जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि जंगलों को लूटकर शहरों को आबाद करने के दिन अब गए। जंगल आबाद रहे, जंगल आबाद रहे, जंगल आबाद रहे, जंगल आबाद रहे। सर बबलू, ये है वो अफसर। कल रात पुलिस ने फिर हमारे चार आदमियों को मार दिया, इसी को ढूंढने आया था साला। जी तो करता है कि इस बंदूक की सारी गोली इसकी खोपड़ी में उतार दूं। कुछ लोगों की जिंदगी उनकी मौत से ज्यादा कीमती होती है। कलेक्टर तक बात पहुंच गई है ना, आ जाएगा जवाब। चार दिन हो चुका है कलेक्टर को खबर मिला। अच्छा? हाँ, अब मुझे तो लगता है कि उन लोगों को इसकी कोई परवाह ही नहीं है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद दिलाए कि जैसे हम अपने लोगों की परवाह करते हैं, उन्हें भी उनके लोगों की परवाह करनी चाहिए। ये पहुंचा दे, कल तक जवाब आ जाएगा।
क्या है ये? ऐसे क्या घूम रहे हो? ये नृत्याश्रम है, तेरा पुरुलिया का अखाड़ा नहीं। सोना कहाँ है? होगी अपने कमरे में, देख लो। सोना, सोना दरवाजा खोलो। गंभीरा बस एक अच्छा कलाकार है और मुझे उसकी कला पसंद है। मैं दूंगी ना आपको सहारा। सुना बेटा, आशीर्वाद नहीं लोगी? कुछ कह रही दिल की धड़कन कुछ सुन रही, तेरी खामोशी कुछ कह रही दिल की धड़कन कुछ सुन रही। बेस्ट ऑफ लक। सवाल का तू ही जवाब है, तेरे लिए ही जीना मेरा ही ख्वाब है। सांस मैं लूं या तू ले, बात एक है। जिस्म में रूह तू जा एक है, मैं तू है बात एक है। जीना तू मरना भी तू, खोना तू पाना भी तू, दर्द तू मरहम भी तू, मंजिल तू राह की मेरी साथ एक है।
सोना को क्या हो गया? अभी भी फोन स्विच ऑफ है। इतना परेशान मत रहो, आ जाएगी। प्याले और रोज के साथ पिक्चर देखने गई होगी। कह के क्यों नहीं गई? मना थोड़ी करते हाँ, कभी किया है मना? देव भी तो फोन नहीं उठा रहा है हमेशा। देव क्या बात है, इतने लेट क्यों, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सोना कहाँ है? मालूम नहीं। मालूम नहीं? मालूम नहीं क्या होता? सोने का फोन। हेलो सोने का फोन, कहाँ हो तुम? मुझे तो हाँ देव, रुको देव, देव, कुछ तो हुआ होगा। ये सच है, जोड़े तो ऊपर आसमान में बनते हैं, टूटते तो इस जमीन पर हैं। शोरा दीदी ऐसे कैसे? देव, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा था ना मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी है, कैसे आने दिया तुमने इनको अंदर? इन दोनों ने सब मर्यादाएं तोड़ दी बगावत की, अब तुम भी मेरी बात नहीं मानोगे? एक बार इसकी बात है तो सुन लीजिए। हमने आपके बेटी से प्यार किया है, शादी भी की, अब हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। गलती हमने की उसकी सजा दीजिए हमें, पर अभी हमें आशीर्वाद तो दीजिए। बाबा, बाबा मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं। बाबा सब हमारी आंखों के सामने ही छटके में खत्म हो गया और हमें पता भी नहीं चला। गलती मुझसे भी हुई है गुरुजी, मुझे पता ही नहीं चला सोना कब मुझसे इतनी दूर चली गई, मुझे कुछ भी पता नहीं।
हम एक बार सोना को खो बैठे हैं। अगर आप उसे नहीं संभाले और खुद भी नहीं संभले तो शायद हमेशा के लिए खो बैठेंगे। तुम क्या कहना चाहते हो? अब क्या? गंभीरा अब उसका पति है। इस घर में उसे वही दर्जा मिलना चाहिए। ये दोनों अब इस घर में थोड़े दिन तो रहेंगे, हमें इनका साथ देना चाहिए। आप मुझ पे थोड़ा भरोसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं टूटा हुआ हूं, बिखर गया। अब सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है देव। कामिनी के जाने के बाद मेरे शरीर का आधा हिस्सा जैसे खत्म हो गया, तुम्हारे आने के बाद मुझ में एक नई शक्ति आ गई। लेकिन आज सोना ने मुझे तोड़ डाला। अब जब भी मुझे बुलाएंगे मैं चला आऊंगा। अब मुझे जाने दीजिए, मत रोकिए मुझे। काश मैंने पहले ही इस प्यार को समझ लिया होता। हो लेकिन हो जाता है जिससे भी दिल मिलता है वो मिलकर Oh,
ओके. गीली मिट्टी की है, टूट गई, फिर से जुड़ जाएगी. किसी का दिल नहीं जो टूट जाए फिर जुड़ न सके. तुम्हारा नाम? देव. देव? यहाँ तो हर तरफ देव ही देव है. पहले कभी नहीं देखा तुमको यहाँ. कहाँ से आए हो? अरे भीम, शीला, आके मदद करो मेरी, जल्दी. आराम से, संभल के. अरे तुम्हें तो बुखार भी है. घबराओ मत, तुम ठीक जगह पर आए हो. चलो. तारे छू लेता है कोई, सितारे छू लेता है कोई, सितारे छू लेता है. किसी को वक्त सजा देता है, हाँ किसी को वक्त सजा दे. मंजिल आंखों में होती है, रास्ता खो जाता है, खो जाता है, खो जाता है. हेलो केशुदा, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, धूल साफ कर रहा था फाइलों की. हाँ दाजू, हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसे यहाँ रख दूँ? बहुत अच्छे. गुड मॉर्निंग देव. गुड मॉर्निंग. कैसा फील कर रहे हो? आई एम गुड. नींद ठीक से आई? हाँ, लेकिन मैं शायद पूरे दो दिन सो गया ना. गंभीरा, योर प्लेस इज नॉट हियर. यहाँ नहीं. यहाँ नहीं, माय प्लेस नॉट हियर. तो किधर? लंदन.
Europe, London. London? London. You have to do Chow in London. A dancer, big Chow dancer in London. Chow? Yes. London? Yes, dancing Chow in London. Me big man. Yes, big man. प्यार करने लगी है ये फिरंगी मुझसे लंदन ले जाना चाहती है भाग जाऊंगा इसके साथ अब बहुत जल्द इस आश्रम का मालिक बन जाऊंगा 10 करोड़ कीमत लगाइए इस आश्रम की इस रकम की तो मुझे गिनती भी नहीं आती ठीक से करो देव एक और बार ट्राई करें हाँ मुझसे नहीं हो रहा देव भगवान बनाना आसान है इंसान बनाना मुश्किल चलो एक बार फिर से कोशिश करें इतनी कोशिशों के बाद भी चेहरा एकदम बिगड़ गया है इस मूर्ति का देखो छोड़ो इसे मुझे दो अगर बहुत कोशिश के बाद भी कुछ ना बन पाए तो कोशिश एक नई शुरुआत से करनी चाहिए गम करने से मातम मनाने से कुछ हासिल नहीं होगा देव फिर से शुरू करें नई मूर्ति बनाते हैं जो होता है क्यों होता है लेकिन हो जाता है तुम आज फिर भी गए हो हाँ तो हाथ क्या पकड़ रहा है काम मर गए सब लोग
गंभीरा तुम्हें लज्जा नहीं आया? छव सिखाने गए थे, टीचर गिरी करने गए थे, शादी कर बैठे। दरभंगा की खानों से पैसा आना बंद हो गया है। बगान में पूरी टाइट सिक्योरिटी चल रही है, वहां से भी माल आना बंद। बीएसएफ लोगों ने हमारा 16 आदमी को मार गिराए हैं और हम मुंह ताक रहे हैं। जंगलों में हमारी आदमी भूखे मर रहे हैं और तुम साला खटिया तोड़ रहे हो दिन रात। गोली से बूंद तुझे। क्या कर रहे हैं कॉमरेड? सब मालूम है हमें, सब खबर रहे हैं हम। गोविंद और बबू हमारे कांटेक्ट में हैं और हाँ, खटिया नहीं तोड़ रहे हैं, स्कीम में चल रहे हैं। वक्त आने पर सब बता देंगे, कामा होने दीजिए, कसम से। ठीक है जाने, तुझे जानता हूं मैं। अब एक प्लान देख, प्लान ला। झारखंड में इस जगह से मिनिस्टर की रैली निकलने वाली है, इलेक्शन की, आज से ठीक 15 दिन बाद। अनाउंसमेंट अभी हो गया, बंदूकें, बॉम्ब्स और बारूद लगेंगे। बाकी का प्लान अगली बार मिल जाएगा। चिंता मत करो कॉमरेड, अब ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि लाल बाजार से लेकर दिल्ली दरबार तक सब हिल जाएगा। लाल बाजार से लेकर दिल्ली दरबार तक हिल जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बात, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। बोल कितने दिन लगेगा? कब वापस आएगा तू? बोल बोल। आने से बस्तर के जंगल में हमें पड़ाव चालू करना है। हाँ, प्लान का डिटेल, तारीख और समय भिजवा दूंगा तुझको ब्लूप्रिंट में। ए विष्णु जी। कॉमरेड, आज से तेरा ड्यूटी है गंभीरा पे नजर रखना। गंभीरा, अब बोल कितना दिन लगेगा? बोल। हम 8 से 15, 20, नहीं 10, 10 दिन बस और इंतजार करो, हो जाएगा। और गंभीरा कोई भागी नहीं जिस पर पहरा रखना पड़े। तूने जो किया ना, छोड़ा काम, बहुत छिछोड़ा काम। पहले नचैया, फिर घर जमैया। पूरा भरोसा उठ गया तुझसे। और हां, और एक बात, अगर नहीं हुआ तूने जो वादा किया वो, तो तेरा भी वही अंजाम होगा जो तूने किया था वो बीएसएफ जवान को। इतनी बड़ी रकम देकर जाऊंगा, भर जाएंगे हमारे कैंप गोलों और बारूदों से, फिर गूंजेंगे हमारे जंगल गोलियों की गड़गड़ाहटों से। नहीं सोएगा आप कोई भूखे पेट। जय मां काली, भद्रकाली, कपालिनी, ये मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई है, बेड़ा पार कर देना। देव, जिंदगी बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर भी, इसे महसूस करो देव, बस नजरिया बदल के।
गंभीरा अब उसका पति है। इस घर में उसे वही दर्जा मिलना चाहिए। आज से मैं तुम्हें मेरी यादों से मुक्त करता हूं। देखो अब देव दिखाई दे रहा है। ये कर रहे थे तुम? हाँ ये कर रहे थे। Cool. This is how you're gonna showcase out to the world? You're such a slut. Hey. क्या बोल रही है? What's your mouth? Hey. Have you? Yes, she has gone crazy. I cannot put on with you lunatics anymore. Sona. I'm out of here. Baby. Hear that? Baby. Out of here. Baby. सुनो मैं टुडे मूनलाइट होटल यू माय मी हाँ सोना
Room. Left, right, left. Hello? Dev? Tumhare liye. Who's that? Pata nahin. Hello? Dev, tum jaag gayi bhi ho. Abhi isi waqt wapas aa jao. Please, Dev. Dev, tum sun rahe ho? Dev. Dev, kuch kaho na. आखिर आई गई ना अपने पुराने आशिक की याद को आशिक कह के उसे बहुत छोटा बना रहे हो तुम जैसे झूठे लोग और कर भी क्या सकते छोटी बातें छोटी हरकतें अच्छा तुमने लिया के साथ किया मेरी आंखों के सामने किया मैं ही नहीं समझ पाई एक पल भर के लिए तुम्हारे प्यार में बह गई थी मैं पर अब और नहीं मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती चले जाओ यहां से मैरिज इज ओवर डू यू नो दैट गेट आउट बर्दाश्त तो तुम्हें करना होगा स्त्री हो तुम मेरी हाथ पकड़ के तुम्हें शादी की इतना मुझसे याद है क्यों याद दिलाऊं कैसे भूल सकती हूँ मैं कुछ बदल गया मैं अपनी नजरों में गिर गई ना बाबा से देव से नजरें मिला के बात कर पाई मैं अपनी गलती को प्यार समझ बैठी थी पर तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया बस बंद करो ये अपनी दुख भरी कहानी नहीं सुनना मुझे ये सब कुछ दुख भरी नहीं बर्बादी भरी कहानी का वक्त नहीं मेरे पास ये सब सुनने के लिए अपने मिशन के लिए काम कर रहा हूं मिशन? जानना चाहती है मैं कौन हूं नक्सलवादी हूं मैं के साथ हुआ उसे बचने के लिए ये सब बोल रहे हो ना मजाक कर रहे हो तुम मजाक नहीं नहीं सच है ये झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो किया है मैंने कत्ल 20 लोगों का जो मैंने अपनी आंखों से देखा है जो लोग मेरी गोली से मरे हैं उनकी गिनती नहीं आज तक ये नहीं हो सकता इतना बड़ा धोखा किया तुमने बाबा तुम गंभीर हो मुझे मारोगे तुम सब सुन लिया मैंने इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा तुमने किसने
चले जाओ यहां से, निकल जाओ अभी इस वक्त। किस्तो जरूरत नहीं, बढ़ाओ, जा रहा हूं आपके लिए, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होगी। मारेगी तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमेशा से सजा ही मिलती आई है आज तक। एक और सही, कफन बांधे चले हैं उम्र भर के लिए, मुबारक से एक सजा से क्या डरना। मुझे जाना होगा नंदिनी, एक अधूरा काम पूरा करना है। ये तुम जा गए भी हो, अभी इसी वक्त वापस आ जाओ। इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा तुमने, कितने असुर बनना मेरी प्रकृति में भी है और मेरी नियति में भी है। तुम मुझे छोड़कर जा रहे इस मोड़ पर जब मैं टूटा हुआ हूं, बिखर गया। अब सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है देव। Today we're going to London. You and me. आ रहा हूँ गुरुजी। आपको ये आश्रम मेरे नाम करना ही होगा। बस अब तो इस पर या उस पर। दादा हम तो कहे थे। गंभीराम सबको नचा रहा है। और एक बात दादा, उसने वो बुढ़ाऊ मास्टर को भी ठोक दिया और फिरंगी के साथ लंदन भाग रहा है। सुन विष्णु। हाँ दादा। सिर्फ दो दिन बाकी है, इसमें अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आप कहे तो ठोक देंगे साले को। हाँ ऐसी अद्भुत दक्षिणा देकर जाऊंगा, दुनिया याद रखेगी इसे मेरे नाम से। हमला बहुत घातक हुआ है, सेरेब्रल हेमरेज हो रहा है, पेशेंट अभी डीप कोमा में है। गुरुजी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत करिए, वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट, जस्ट प्रे।
मैं सोना और आपके आश्रम को बर्बाद होने नहीं दूंगा। रोज मुझे लोग पूछते थे कि देव कहाँ चला गया। मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं होता था। तुम कहाँ चले गए थे देव? तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई। मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। लेकिन आज मैं गुरुजी के लिए वापस आया हूं। आज मैं अपनी गुरु दक्षिणा देने आया हूं। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। गंभीरा ने ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे गुरुजी, पूरे आश्रम और संजू को सब कुछ ने बर्बाद कर दिया। गंभीरा कहाँ है अब? आज की रात सबसे यादगार रात होगी। कल की सुबह इस फिरंगी के देश में इसके साथ होगी। प्यार की आज
रंग गुलाबों के नफरत जुर्म नकाबों के शक्ति नाम है जीवन का रेत का घर है दुश्मन का जब भी भवन सताता है दिल कश्ती बन जाता है प्यार है हर मुश्किल का हल मैं जो दिखाना चाहता था उसे वो सच लगा ही नहीं और जो सच था वो उसे कभी दिखा ही नहीं। ये जीने मरने का सिलसिला ना मुझे जीने देता है ना मरने। देव क्यों इन चेहरों में खोए रहते हो मुझे मालूम है। नाराज हो जिंदगी से थक भी चुके हो लेकिन जिंदगी ऐसी ही है सबके लिए। मैं
देव, तुम जानते हो, खोना पाना, मिलना बिछड़ना, यही जिंदगी का सच है। जो इस सच को स्वीकार कर लेता है वो इस जिंदगी के माया जाल से मुक्त हो जाता है।